क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक मिलकर एक नए ग्रह को खोज निकालते हैं। मगर उन्हें पता नहीं था कि ये ग्रह उनकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा विचित्र होगा। यूनिवर्स के ऐसे राज जो कि इंसान कभी जान नहीं पाएंगे। अब वे क्या जानते हैं आज की बेहद ही यूनिक साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत एक साइकोलॉजिस्ट क्रिस केल्विन से होती है, जो कि अभी अपनी मरी हुई पत्नी को याद कर रहा था कि कैसे वे एक साथ रहा करते थे। अब हमेशा की तरह आज भी क्रिस तैयार होकर अपने ग्रुप थेरेपी सेशन में जाता है, जहाँ के अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। और उसके बाद का दिन भी क्रिस नॉर्मली ऑफिस वर्क में ही बिताता है। मगर अब जब वो शाम को घर आया ही था कि वहाँ ऑलरेडी एक स्पेस कंपनी से कुछ लोग उससे मिलने आए थे, और उनके बॉस से बात करने पर उसे बताया जाता है कि कैसे स्पेस कंपनी ने एक नया बेहद ही विचित्र ग्रह ढूंढ निकाला है, जिसे कि उन्होंने सोलारिस नाम दिया। वहीं उनका एक वैज्ञानिकों का ग्रुप ऑलरेडी उस ग्रह के ऑर्बिट पे पहुंच वहां रिसर्च करने लगा। जहां शुरू के कुछ समय तो सब ठीक रहा, मगर कुछ ही वक्त बाद वहां मौजूद सारे ही क्रू मेंबर्स की मानसिक हालत अचानक से ही बिगड़ने लगी। वहां के हालात बेकाबू होने लगे। सो स्पेस कंपनी चाहती है कि चूंकि क्रिस एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उस ग्रह पर जाए और उन क्रू मेंबर्स की जांच करे कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। यहां क्रिस के पूछने पर कि अगर हालात इतने ही बेकाबू थे तो स्पेस कंपनी ने वहां सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं भेजी। इस पर क्रिस को बताया जाता है कि कंपनी ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सोलारिस पर भेज चुकी है, मगर उनसे अभी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सो वे क्रिस को वहां भेजना चाहते हैं, जो कि सफर काफी ही लंबा होने वाला था, और इसलिए वहां जाते हुए क्रिस क्रायोजेनिक स्लीप में रहेगा। अब सब कुछ समझने के बाद क्रिस फाइनली इस मिशन के लिए मान ही जाता है और एथेना नामक एक स्पेसशिप में बैठ अकेला ही सोलारिस ग्रह पर जाने लगता है। जहां जब काफी लंबे सफर के बाद वो सोलारिस पर पहुंच क्रायोस्लीप से उठा ही था, तो देखता है कि कैसे उस स्पेस कंपनी का स्टेशन इस विशाल नीले ग्रह के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो वहीं इस ग्रह के आसपास अजीबोगरीब एनर्जी वेव्स फ्लोट कर रही थी। क्रिस यहाँ से स्पेस स्टेशन के अंदर जाता है, जहाँ स्टेशन के अंदर जगह जगह पर खून के निशान बने हुए थे। वहीं और अंदर जाने पर उसे दो और वैज्ञानिकों की लाशें मिलती हैं, जो कि पहले ही मारे गए। वहीं इनमें से एक बॉडी उसी वैज्ञानिक की थी जिसने की पृथ्वी पर क्रिस को यहाँ पर आने की वीडियो भेजी थी। अब क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, और वो स्टेशन के और अंदर जाकर देखने लगता है, जहाँ की उसे फाइनली एक और क्रू मेंबर स्नो वहीं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ मिलता है। यहाँ क्रिस उससे पूछता है कि यहाँ हर और खून क्यों बिखरा हुआ है, वे क्रू मेंबर्स कैसे मारे गए। और स्नो से बताता है कि उन्हें तो खुद सिक्योरिटी टीम ने ही मारा था, जो कि पृथ्वी से भेजे गए थे। वहीं इसके अलावा यहाँ आए हुए ज्यादातर मेंबर्स या तो मारे जा चुके हैं या फिर कहीं गायब हैं। वहीं कुछ ने तो खुद की ही जान ले ली अब क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस ग्रह पर ऐसा है क्या, और वो स्नो से भी पूछता है कि इन सब का कारण क्या है। मगर स्नो के अनुसार इस ग्रह पर ऐसा कुछ है जो कि आम इंसानों के समझ के बाहर है, और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे तो बस महसूस ही किया जा सकता है। और क्रिस को कुछ समय यहाँ बिताना चाहिए, जिसके बाद उसे सब कुछ समझ आने लगेगा। यहाँ स्नो आगे कहता है कि उसके अलावा एक और मेंबर डॉक्टर गोल्डन भी अभी स्टेशन पर जिंदा है, और वो अपने रूम में है। सो क्रिस उसे मिलने भागता है, मगर डॉक्टर गोल्डन तो उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती थी, और वो भी स्नो की बातें रिपीट करती है कि क्रिस को यहाँ कुछ वक्त बिताना चाहिए और उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। वहीं इसके बारे में बातें करके कोई फायदा नहीं, और ये कहकर उसने भी दरवाजा बंद कर लिया था। वहीं अब जब क्रिस वहां से जा ही रहा था कि उसे ऊपर एक छोटा बच्चा भागता हुआ नजर आता है। वहीं उसका पीछा करने पर क्रिस को वहां कोई नहीं मिलता। जहां इसके बारे में स्नो से उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसी मरे हुए क्रू मेंबर का बेटा माइकल है। और ये सुनने के बाद तो क्रिस और ज्यादा कंफ्यूजन में था, क्योंकि स्पेस मिशन पर कोई बच्चा आ ही कैसे सकता है। जहां स्नो कहता है कि यही तो मेन बात है, छोटा माइकल तो कभी इस मिशन पर आया ही नहीं था, और क्रिस को ही इन विचित्र घटनाओं का पता लगाना होगा कि ये सब हो कैसे रहा है। तो अब सब कुछ समझने के लिए क्रिस अगली सुबह मीटिंग बुलाता है और गोल्डन का सब कुछ शुरू से बताने को कहता है, जो कुछ भी उन्होंने यहाँ कर फील किया। और गोल्डन यहाँ से बताना शुरू करती है कि कैसे उनकी टीम जब इस ग्रह पर आई तो वे सभी जानना चाहते थे कि इस ग्रह पर पाई जाने वाली अजीबोगरीब एनर्जी का राज क्या है। मगर समय के साथ उनके साथ ही अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। क्रू मेंबर्स हताश और निराश होने लगे, मानो उनका जीवन से भरोसा ही उठ गया हो। जहां उन्होंने अपना खाना और पानी भी चेक किया कि कहीं उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं, मगर सब कुछ ठीक था, और अब भी उसे ऐसा ही महसूस होता है। जहां स्नो भी अपने बारे में यही कहता है, और क्रिस उन्हें सुझाव
देता है कि फिर तो उन्हें अभी ही इस सोलारिस ग्रह को छोड़ वापिस पृथ्वी पर लौट जाना चाहिए, मगर दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। वहीं अब जब क्रिस भी रात को सो ही रहा था तो उसे भी अपनी पत्नी रेहा के सपने आते हैं, जिससे कि वो एक रात ट्रेन में मिला और समय के साथ वे करीब आ गए, मगर बाद में रेहा ने डिप्रेशन में आ खुद की ही जान दे दी थी। यहाँ क्रिस उसे याद कर ही रहा था कि अब उसे सोते हुए अपनी ही गर्दन पर एक लड़की का हाथ महसूस होता है और अब आंखें खोलने पर वो रेहा को अपने बिस्तर पर ही देख पा रहा था, जिसे की देख अब क्रिस पूरी तरह से डर जाता है। उसकी पत्नी तो पृथ्वी पर ही ऑलरेडी मर चुकी थी, तो वो यहाँ पर कैसे आ गई, वो भी बिल्कुल जीती जागती इंसान। तो कंफर्मेशन के लिए कि ये उसी की रेहा है, क्रिस उससे अपने बारे में पर्सनल सवाल पूछने लगता है, जिनका के सिर्फ असली रेहा को ही पता हो सकता था। और सरप्राइजिंगली अब रेहा क्रिस के सारे ही सवालों के जवाब आसानी से दे देती है। यहाँ क्रिस को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये असली रेहा कहीं से भी नहीं हो सकती और ये सब इस ग्रह की वजह से हो रहा होगा। तो वो रेहा को एक एस्केप शटल में डाल अब उसे स्पेस में छोड़ देता है और जल्दी से स्नो के पास जा अब उनसे पूछने लगता है कि जो उसकी पत्नी पृथ्वी पर कई साल पहले ही मर चुकी थी, अब वो अचानक से यहाँ जिंदा कैसे हो गई, वो भी पृथ्वी से इतनी दूर इस वीरान ग्रह के पास स्टेशन पर, जहाँ स्नो उसे बताता है कि ये सब इसी ग्रह के कारण हो रहा है जिसकी की वे बातें कर रहे थे। ये ग्रह शायद से यहाँ आने वाले इंसानों के दिमाग उनकी मेमोरीज का सब कुछ सेंस कर लेता है और फिर जिनसे भी वे प्यार करते थे, जिनके पास वे होना चाहते थे, ये ग्रह उनकी कॉपी ही बना देता है। इसलिए ही जो ने स्टेशन में आने के बाद उस बच्चे को देखा था वो भी एक कॉपी ही थी, जिसे कि उसके पिता की मेमोरी से इस ग्रह ने बना दिया। ये ग्रह हमारी मेमोरी से हर उस इंसान को बना सकती है जिन्हें कि हम पाने की चाह रखते हैं। तो अगर क्रिस चाहे तो उसे उसकी पत्नी फिर से मिल सकेगी। अब आज की रात भी सोते हुए क्रिस को फिर से अपनी पत्नी के सपने आ रहे थे, कैसे वे पहले काफी खुश रहती थी, मगर समय के साथ उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी और इस बार भी पहले की ही तरह क्रिस की नींद रेहा को देखकर खुलती है, मगर इस बार क्रिस उसे अपने पास रहने देता है। उसे पता था कि वो कुछ भी कर ले ये ग्रह रेहा की कॉपी बनाता ही रहेगा। वही रेहा से पूछने पर वो बताती है कि उसे अपनी मौत का कुछ भी याद नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ आई कैसे। वहीं फ्लैशबैक से रिवील होता है कि असली रेहा शादी के कुछ ही समय बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर उसने बिना इसके बारे में क्रिस को कुछ भी बताए बच्चे को ही गिरवा दिया। और जब फाइनली क्रिस को इसके बारे में पता लगा तो वो काफी ही गुस्से में था, क्योंकि उसे हमेशा से बेबी चाहिए था। जहाँ रेहा उसे कहती है कि वो अभी बेबी के लिए तैयार नहीं है, मगर क्रिस तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और वो गुस्से में लड़ते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और पीछे रेहा अकेली रह गई थी, जो कि पहले से मानसिक रूप से बीमार थी, और अब चूंकि वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, तो एक दिन तंग आकर उसने नींद की गोलियां खा खुद की जान ले ही ली। और उसी घटना का क्रिस को आज तक भी पछतावा रहा है कि वो रेहा के मुश्किल वक्त में उसे छोड़कर चला गया था। अब अगली सुबह चारों इकट्ठा होते हैं और स्नो सुझाव देता है कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि जो गोपी ये ग्रह उनकी मेमोरी से बना रहा है वे उन्हें पूरी तरह से रियलिटी से ही हटा पाए। मगर क्रिस का मानना था कि वे इन कॉपीज को वापिस पृथ्वी पर लेकर जाएंगे और वहां उन पर रिसर्च कर सकते हैं कि ये कॉपीज कितनी इंसान है और कितनी नहीं। मगर अब ये सुनते ही डॉक्टर गोल्डन भड़क उठी थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पर फैला और हर इंसान की यादों से उनके चाहने वालों की कॉपीज बनने लगी तो हर तरफ केओस फैल जाएगा। तो उन्हें एलियन एलिमेंट से बनी इन कॉपीज को पृथ्वी के आसपास भी नहीं ले जाना चाहिए। वहीं क्रिस तो गिल्ट के चलते अब भी नहीं चाहता था कि वो रेहा की इस कॉपी को नष्ट करे, क्योंकि उसे खुद की पास्ट में की गई गलती को सुधारने का मौका मिल रहा है, जिसे की देख अब गोल्डन रेहा को बता ही देती है कि कैसे क्रिस ने उसकी पहली वाली कॉपी को स्पेस में फेंक दिया था। यह क्रिस रेहा को समझाता भी है कि तब वो कंफ्यूजन में था कि वो रेहा असली भी है या नहीं, मगर ये सुन रेहा को काफी ही बुरा लगा था और वो वहां से चली जाती है, यानी कि उसके इमोशंस असली है। और क्रिस इसके लिए गोल्डन को डांटता भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर गोल्डन कहती है कि रेहा कोई असली इंसान नहीं, वो तो एक एलियन एंटिटी है जिसे कि इस एलियन ग्रह ने क्रिस की यादों से बनाया है और उसके इमोशन सेम वैसे ही है जैसा कि क्रिस को रेहा के बारे में याद था। और वो फिर से कहती है कि वो क्रिस को इस रेहा की कॉपी को पृथ्वी पर ले जाने नहीं देगी। वही अब रात को क्रिस तो सो गया था, मगर दिन की घटनाओं को याद कर रेहा बुरी तरह से रोई जा रही थी। और कुछ देर बाद जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो पाता है कि रेहा अपने बिस्तर पर नहीं, और उसने तो बाहर कंट्रोल रूम में लिक्विड ऑक्सीजन पीकर
खुद की ही जान फिर से दे दी है, जिसे कि देख क्रिस जल्दी से उसे अपने रूम में लाता है और बाकी दोनों ही मेंबर्स को बुला सब कुछ दिखा देता है। यहाँ सबको लग रहा था कि रेहम मारी गई कि तभी उसके शरीर में हलचल शुरू होती है और वो फिर से हील होने लगती है, यानी कि ये रेहा एलियन एलिमेंट से बनी है और वो मर नहीं सकती। वही रेहा खुद को ना मार पाने से और दुखी थी। अब गोल्डन यहाँ से क्रिस को एक मशीन दिखाती है जो कि उसने इतने महीनों की रिसर्च के बाद बनाई हुई थी और उसने इन एलियन एलिमेंट्स के बेसिक का पता लगा। ये जान लिया कि वो इस मशीन से इन कॉपीज को नष्ट कर सकती है, जिसका की प्रयोग गोल्डन के अनुसार वो अपनी ही कॉपी पर पहले ही कर चुकी है और उसकी कॉपी नष्ट होने के बाद दोबारा फिर से नहीं बनी। यानी कि वे इस मशीन से जिस भी कॉपी को नष्ट करेंगे ये ग्रह भी उस कॉपी को फिर से नहीं बना पाएगा। और ये जान अब रेह खुद भी इस मशीन की मदद से नष्ट होना चाहती थी और क्रिस के रोकने पर अब वो उसे कहती है कि वो तो बस क्रिस की यादों से बनी है और वो ऐसे नहीं रह सकती। जहाँ क्रिस की यादों में रेहा हमेशा ही दुखी रही, डिप्रेशन में रही, जो कि हमेशा खुद की जान लेना चाहती थी, और इसलिए ही जो कॉपीज ग्रह ने रेहा की बनाई है उसकी मानसिक हालत भी सेम वैसी ही है और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मगर क्रिस कहता है कि उसने अपनी पूरी ही लाइफ उस घटना के दुख में बिताई है और अब पृथ्वी से इतनी दूर आकर फाइनली उसे मौका मिल पाया कि वो अपनी पुरानी गलती को सुधार सके, अपनी पत्नी का साथ दे सके और अब वो उसे मरने नहीं देगा। तो क्रिस यहाँ से दवाइयां ले खुद को जगाए रखता है ताकि उसके सोने के बाद रेहा उस मशीन की मदद से खुद की जान ना दे। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मगर एक दिन नींद पूरी ना होने से क्रिस बेहोश हो गया था, जिसके की बाद रेहा डॉक्टर गोल्डन के पास जाने कन्विंस करती है कि वो उस मशीन का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कॉपी है और वो भी रेहा का वो हिस्सा जो कि हमेशा दुखी ही रहता था। सो अब वो क्रिस के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है कि गोल्डन ने उसी के कहने पर उसे नष्ट किया, सो क्रिस गोल्डन पर गुस्सा ना करे। और ऐसे ही क्रिस ये मैसेज देखता है और गोल्डन से कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। वहीं गोल्डन कहती है कि चूंकि अब शिप कोई भी कॉपी नहीं है तो वे यहाँ से पृथ्वी पर लौट रहे हैं, जहाँ वे सबको सचेत करेंगे कि आगे से कभी भी कोई वापिस से लौटकर यहाँ ना आए। मगर अब जब वे वापिस जाने का प्रोसेस शुरू कर ही रहे थे कि उन्हें सीलिंग से किसी का खून गिरता हुआ दिखाई देता है और अब सीलिंग हटाने पर वे जान पाते हैं कि यहाँ तो काफी समय से मरे हुए स्नो की बॉडी छुपाई गई थी, यानी कि जिस स्नो से क्रिस यहाँ आने के बाद से मिला था वो तो शुरू से ही असली स्नो की कॉपी था। और अब स्नो से पूछते हैं कि क्या उसने रियल स्नो को मारा, तो वो कन्फेस कर है कि जब रियल स्नो ने उसे देखा तो उस पर अटैक किया और उसने तो सिर्फ खुद के बचाव के लिए उसके असली वर्जन को मारा था। अब गोल्डन कहती है कि पृथ्वी पर जाने से पहले वो मशीन का इस्तेमाल कर इस कॉपी को भी नष्ट कर देगी। मगर स्नो ने आगाह करता है कि अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये स्टेशन सोलारिस की ग्रेविटी से खींचता हुआ अब इसी ग्रह में गिर रहा है। वहीं गोल्डन जिस मशीन से कॉपीज को नष्ट कर रही है वो मशीन काफी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और अब उनके शिप में इतनी एनर्जी बची ही नहीं होगी कि वे वापस से पृथ्वी पर पहुंच पाए। मगर एक उसी पे थीना भी था जिससे कि क्रिस बाद में यहाँ आया था, तो अब वे स्टेशन को यहीं सोलारिस ग्रह पर छोड़ यहाँ से क्रिस और गोल्डन उस एथीना शिप से वापिस से पृथ्वी पर आ जाते हैं, जहाँ अब उन्हें पृथ्वी पर आए काफी समय बीत चुका है। वहीं क्रिस अभी भी सोलारिस ग्रह पर बिताए उस समय को याद कर दुखी रहता जब उसे रेहा दोबारा मिली थी। वहीं अब तो उसे पृथ्वी भी अनजान लगने लगी है, मानो यहाँ उसका कोई अपना ना हो। क्रिस ने अपनी जॉब छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मानो उसकी आत्मा ही उसी सोलारिस ग्रह पर छोड़ चुकी थी। और अब जब एक दिन क्रिस कुछ सब्जियां काट ही रहा था कि गलती से वो अपनी एक उंगली काट बैठता है और यहीं पर वो देखता है कि अब उसके घाव अपने आप हील हो रहे हैं और यहीं से रिवील होता है कि क्रिस तो कभी वापस से पृथ्वी पर लौटा ही नहीं। और फ्लैशबैक में यहां से दिखाया जाता है कि आखिरी वक्त पर उसने पृथ्वी पर लौटने का फैसला ही टाल दिया और डॉक्टर गोल्डन अकेली एथीना शिप में बैठ पृथ्वी पर लौट आई थी और क्रिस यहीं इस ग्रह की इल्यूजन में खो गया। जहां होश में आने पर वो पाने लगता है कि उनका स्टेशन सोलारिस प्लेनेट में गिर रहा है। मगर उसे वही बच्चे की कॉपी बताती है कि जैसे जैसे वे इस ग्रह के ओर करीब जाते जा रहे हैं इस ग्रह की एनर्जी उन्हें मार नहीं रही बल्कि वो उनकी चेतना को हमेशा के लिए यूनिवर्स में बचा कर रख रही है। और अब पलक झपकते ही क्रिस फिर से अपने अपार्टमेंट में था, मगर इस बार उसके पास रेहा थी और क्रिस पूछता है कि क्या ये सब रियल है या सोलारिस ग्रह की कोई कल्पना। लेकिन रेहा कहती है कि उसे फर्क ही क्या पड़ेगा, वे दोनों अब साथ हैं, ये ग्रह उन्हें कभी मरने नहीं देगा और वे अनंत समय तक इस यूनिवर्स में एक साथ रहेंगे
और दोनों गले मिल एक नए सफर की शुरुआत के लिए जो वे हमेशा हमेशा के लिए शुरू करने वाले थे। अब अगर आपको सोलारिस ग्रह पर जाने का मौका मिले जहां आप जिसे भी मन से चाहो उसे हमेशा के लिए पा सकोगे तो आपका क्या डिसीजन रहेगा, वो भी ये जानते हुए कि वो रियल इंसान नहीं है। वैसे भी किसी को रियल इंसान तभी कहा जा सकता है जब उसके पास उसकी यादें हों, उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस हों, और अगर उन कॉपीज में वे यादें हैं तो वैसे भी उनके इंसान होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वीडियो को लेकर आपको क्या फील हुआ कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।